बाप रे बाप, जोश हो तो ऐसा, जोश हो तो खेसारी लाल जी के जैसा। क्यों मैं बोल रहा हूं, पूरा वीडियो को देखोगे ना मजा आ जाएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई यही रिक्वेस्ट करेगा कि चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हम भोजपुरी को जोड़ने की बातें करते हैं, तोड़ने की बातें कभी नहीं करते हैं। जी हाँ, आज का जो वीडियो है स्पेशल वीडियो है खेसारी लाल जी के फैंस के लिए। मैं ऐसा वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ, आप लोगों को मजा आ जाएगा। मेरे भाई बता दो कि आपके सुपरस्टार, हमारे सुपरस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी कल रात भर किए हैं शूटिंग। जी हाँ, कड़ाके की ठंड में जब हम लोग रजाई में सो रहे थे ना, तब खेसारी लाल जी जग कर रात भर शूटिंग कर रहे थे। देख, ये होती है एक स्टार की क्वालिटी जो कि सबके लिए। आज खेसारी लाल जी अगर गाना नहीं भी लेके आते हैं तो उनके स्टारडम को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सबके लिए वो रात दिन एक करके गाना लेके आते हैं। तो सबसे पहले सुन लो कि कौन कौन से चैनल से गाना आ रहा है। चार गाने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वेब म्यूजिक से गाना आएगा, उसके बाद आप समझ लो एसआरके म्यूजिक से गाना आएगा, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आएगा, और हम भोजपुरी सारे कामा चैनल से गाना आएगा। चार गाने आ रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि टीम का जोश देखकर तो मुझे मजा आ गया कि सोचो खेसारी लाल जी तो कर रहे हैं, लेकिन टीम भी उनके साथ जगी हुई है। आजाद भैया जगे हुए हैं, उनके मैनेजर का जोश देखकर तो मेरा जोश बढ़ गया, विवेक भैया का जोश देखकर मेरा जोश बढ़ गया। ऐसा लगता है कि जाकर मैं भी टीम ज्वाइन कर लूं, क्योंकि ऐसा टीम मैंने कभी पहले नहीं देखा है। ये टीम नहीं, ये आग का गोला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनका जज्बा देख करना मुझे ऐसा लगता है क्या टीम है यार। स्टार जगा है तो टीम को जगने का क्या जरूरी, लेकिन टीम भी पूरा 100% अपना दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा स्टार जगा किंग बिक्की जाधव जी, जो कि पर्दे के पीछे रहकर कमाल करने वाले इंसान है, कल वो लाइव आकर बोले हैं पहली बार, जिनको हम लोग देखे हैं, बहुत बड़े इंसान है, क्योंकि भोजपुरी को बढ़ाने में डिजिटली उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनका भी योगदान हमें भूलना नहीं चाहिए। और साथ साथ पूरा टीम था, और हमें विवेक भैया का जोश देखकर तो मुझे इतना मजा आया कि मैं क्या बोलूं। मुझे लगता है कि विवेक भैया एक नया ऊर्जा भर दिए हैं खेसारी लाल जी में, क्योंकि जब मैनेजर इतना एग्रेसिव हो, जब मैनेजर में इतनी काम करने की भूख हो, तो स्टार को तो ऑटोमेटिक काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर का मतलब ही होता है मैनेज करने वाला। एक स्टार अपने मैनेजर को बहुत वैल्यू करता है, और यही तो बात है, यही तो टीम बॉन्डिंग है। कल ही मीटिंग हुआ, कल रात भर शूटिंग हो गई। जी हाँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सारे भोजपुरी फैंस में एक नई ऊर्जा भरने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि देखो यार, ये लोग जितना मेहनत करते हैं, अगर हम लोग अपने लाइफ में मेहनत करने लगे ना तो सक्सेस बनना पक्का है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो रजाई में सो रहे थे सब कोई। लेकिन सुबह सुबह जब हम लोग देखे तो मैं देख के एक एकदम, मतलब बोल सकते हो सरप्राइज हो गया कि अरे बाप रे, रात भर खेसारी जी ने इधर शूटिंग कर दिया, वो भी ठंडे में, वो भी हाफ पहने थे, पूरा फुल भी नहीं पहना था। तो ये होता है जोश, कि उनके जोश के सामने ठंड भी कुछ नहीं कर सकती। और यही बात है कि खेसारी लाल जी फिर से गाना पे गाना लाने वाले हैं, चार गाना एकदम आने ही वाला है, और ये कहा जा रहा है शाम तक पोस्टर भी आ जाएगा, और थोड़ा सा मैंने वीडियो क्लिप भी आपको दिखा दिया। बस यही बोलूंगा कि आप लोग एकदम गाने आने पे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर से आपका भाई एक नया वीडियो लेके आएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक नए वीडियो में।